छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस खूबसूरत मस्जिद जामिया हलीमा असादिया के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह ऐसे इधर नमाज के लिए आए हैं और बड़ा अच्छा लगा है। माशाल्लाह मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त तैयार की गई है। ये फनूस बड़ा प्यारा लगा है, मार्बल बड़ा प्यारा है, कारपेट में बैठ के सुकून आ गया, मज़ा आ गया और दिल खुश हो गया। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मस्जिद है। ये तासरात है बड़े भाई जान के, आइए जानते हैं छोटे भाई जान इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में क्या कहते हैं। यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, पंखों को खोल जमाना तेरी उड़ान देखता है। शुक्रिया पाकिस्तान। बड़ा देखा है अभी जब हम अंदर वाला शॉट ले रहे थे, देयर वाज अ गाय, ही केम टू मी एंड ही सेड आप जमजम वाले हो। मैं यार मैं तो जमजम वाला नहीं हूँ। नहीं तुसी छोटे पायन बड़े पायन वर्गे लग रहे हो। वो भी इदा ही जो ना तैयार होके आंदे ने। मैं यार वो उनका भी माशाल्लाह ऐसे ही काम है, वो आ रहे हैं वो, लेकिन वो भी आ रहे हैं। वो कहता अच्छा वेट करो, वेट करके बेचारा चला गया। कहता मैंने जरा तस्वीर बना के आप लोग अंदर तशरीफ रखे। अच्छा बिल्कुल पीछे हो थोड़ा। बड़ा इधर हमीद मजीद 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 किधर गए मजीद।
नाज़रीन, इस वक्त तुम्हारे साथ एक नमाजी मौजूद है, ये उनसे जानते हैं कि हाल ही में तामीर की गई इस खूबसूरत जामिया मस्जिद हलीमा असादिया के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपको और इस मस्जिद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकात, मेरा नाम मिर्ज़ा फारूक है और ये मस्जिद माशाल्लाह खूबसूरती का वो बहुत सबूत है। जैसा कि गोलमटा शारजा इतनी मोहब्बत से ये मस्जिदों का काम तमीरात कराती है, वो यकीन माने कि वो बड़ा ही खूबसूरत तरीन कंस्ट्रक्शन होती है इनकी। और जितने भी बड़े बड़े मकाम हैं, जितने भी बड़े बड़े चौक हैं, वहाँ पर हर चौक में हर बड़ी बड़ी से बड़ी मस्जिद खूबसूरत खूबसूरत आप मस्जिद देखेंगे। शारजा गोलमटा मस्जिद के लिए बहुत खूबसूरत काम करती है माशाल्लाह। जो अलीमा सदी मस्जिद तमीर हुई है और जिसमें सके मरमर का बहुत ही प्यारा काम है, आप देखिए इसमें डेकोर का कितना प्यारा काम है और इंटीरियर को तो लाइटिंग और माशाल्लाह वेरी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और गवर्नमेंट अब शारजा जो है वो मजहब इस्लाम के ऊपर और ईमान के ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रही है। और जितने भी बड़े बड़े मकाम हैं, जितने भी बड़े बड़े चौक हैं, वहाँ पर आप देखेंगे आपको बहुत बड़ी बड़ी खूबसूरत मस्जिद मिलेंगी माशाल्लाह। लाइट रेडिया के भैया किधर, अभी इसको किधर चाहिए? एक काम यह कर लेते हैं, मेंबर मेहराब के पास और एक का उनका अमल कर जब आपसे पूछेंगे तो फिर आप ये कह सकते हैं कि यकीनी तौर पे ये हमारे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है और बतौर मुसलमान हमें बड़ा फख्र महसूस होता है। आपने ये कहना है अब्दुल गफूर, आपने ये कहना है कि पिछले महीने ओके लाइट बचा के रेडी जनाब, जो माइक है उसको सीधा रखिए। साउंड टेस्ट मैडम, ओके 1 2 3 हेलो 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 1 2 3 1 2 3 इट्स वर्किंग ओके ओके यस ओके। मस्जिद का क्या नाम है? अली मां साजिद यस कंफ्यूज हो जाने में भाई आइए हमारे इसको खूबसूरत मस्जिद पास वो यूसुफ जो है भाई है यूसुफ को देखो स्टैंड गिर जाएगा। ओके रेडी है? यस। आपने सलीम भाई इस कैमरा के पास खड़े हो क्योंकि आपने यस भाई मेरा फोन जाना है लॉन्ग टू मीडियम जाना है। सलीम भाई यहाँ पे लाइट चाहिए, देखिए बैक पे रिफ्लेक्शन ना हो। रेडी है? स्टैंड बाय जनाब, फाकन गुजर रहे थे, आवाज नहीं कर रहा, टेलीफोन बंद कर। साइलेंस, कीप साइलेंस प्लीज, ऑल मोबाइल फोन और साइलेंस। वीडियो पास किया, माइक लगा दिया।
नाज़रीन इस वक्त तुम्हारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं आईएम से जान नाज़रीन इस वक्त तुम्हारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं आईएम से जानते हैं कि हाल ही में तामीर की गई इस खूबसूरत जामिया मस्जिद हलीमा सादिया के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो का मौका मिल गया तो माशाल्लाह शारजा में तो मस्जिदों का बड़ा नाम है, इधर भी देखते हैं बड़ी बड़ी अच्छी मस्जिदें मिलती हैं देखने को। अब इधर आए हैं माशाल्लाह बड़ा अच्छा इंटीरियर है, बड़ा ज़बरदस्त, मतलब एक फ़ख्र है हमें इस्लामी कंट्री में रह रहे हैं और अच्छा माहौल मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। इस वक्त हमारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। कीप रोलिंग अगेन, बिस्मिल्लाह क्यों। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि हाल ही में तामीर की गई इस खूबसूरत जामिया मस्जिद हलीमा सादिया के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। माशाल्लाह अभी हम गुजर रहे थे तो नमाज के लिए आए तो बड़ा अच्छा लगा मस्जिद को देख के, दिल खुश हो गया, दिल को सुकून मिला, बड़ा अच्छा माशाल्लाह जी। इनका इसका नाम फानूस और कारपेट बोलना है, फानूस और फानूस याद हो गया, खत्म हो गया, तारी होने वाली मैडम। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि हाल ही में तामीर की गई इस खूबसूरत जामिया मस्जिद अल जामिया मस्जिद का नाम क्या है? हलीमा हलीमा सादिया वाकई रोज़ नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ छोटे भाईजान और बड़े भाईजान मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस खूबसूरत मस्जिद जामिया हलीमा असादिया के बारे में उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। नमाज के लिए आए और बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह, मस्जिद बड़ी ज़बरदस्त तैयार की गई है जी, फनूस बड़ा प्यारा लगा है, मार्बल बड़ा प्यारा है, कारपेट में बैठ के सुकून आ गया, मज़ा आ गया और दिल खुश हो गया माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी मस्जिद है। ये तासरात है बड़े भाईजान के, आइए जानते हैं छोटे भाईजान इस खूबसूरत मस्जिद के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह जी हमें बतौर मुस्लिम एक बहुत ही मतलब फ़ख्र फील हो रहा है कि हम इस मस्जिद में आए हैं और इतनी खूबसूरत, हम मतलब मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, शारजा ने इतनी प्यारी मस्जिद बनाई है, हमारे इत्तेफाक होता रहता है काफ़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का, तो माशाल्लाह जिधर भी जाते हैं माशाल्लाह एक से एक बढ़कर मिसाल मिलती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कोई ना उठो भाई, बेहरबानी हो गया आपकी। चलो शूज जरूर एक साथ आ जा, एक मिनट रुक जा। छोटे भाई जाना जूती है, पता नहीं मैंने किसी की पहन ली है चप्पल। सारे भाई आने चाहिए, सब भाई आएंगे। भाई को देखो
एक मुझे इधर रह गए भाई, इसको दे दो माइक लग गया, माइक लाओ माइक अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस टाइम हम शारजा में माशाल्लाह अपने भाइयों के साथ तारी करके आए हैं, हलीमा सादिया मस्जिद में माशाल्लाह गए थे, तो भाइयों ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे साथ तारी करें, बहुत अच्छा लगा जी, मज़ा आ गया। कैसा लगा आपको हमारे साथ, कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, थैंक यू। कभी हमारा शारजा में माशाल्लाह सारे माता इधर है, उनके साथ भी इफ्तारी करेंगे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। चलो यार मत लो, ये लो आपके लिए स्मार्ट वॉच, कैसा लगा, थैंक यू, थैंक यू। Thank you.
गुजरात से आए, आपका बहुत नाम सुना था। गुजरात, इंडिया गुजरात से। चार दिया है, डिस्काउंट में, डिस्काउंट में दे दिया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम गाइस। माशाल्लाह ये हमारा बहुत ही प्यारा भाई देसी भाई है, समझो इलेक्ट्रॉनिक्स पर। भाई ने लैपटॉप परचेज किया और साथ में भाई को स्मार्ट वॉच गिफ्ट भी दिया और भाई ने परचेज भी किया, ये बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लो भैया ये सांप लो अपना, ये आपका, ये क्या बल्कि इधर आ जाए प्लीज, एक सेकंड के लिए इधर माइंड नहीं करने वाले। मुजम्मल दो रहा पीछे, मुजम्मल टेबल दे नहीं शो है, कोई नहीं टेबल वाला सीन है। हाँ छोटे भाई बड़े भाई क्या हाल है, आपको मुबारकबाद पेश करने के लिए आए हमारे इसके पाकिस्तान ओवरसीज के तलबात, आपका 9.5 मिलियन जो हो चुका है आपका यूट्यूब पे, उसके लिए आपको एडवांस मुबारक हो हमारी तरफ से, देखा कि हमारे बच्चे क्या, बच्चों के लिए स्मार्ट वॉच दे रहा है कैसा फिर माशाल्लाह। ले ले बेटा ले, ये आपके लिए माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, ये आप हमारे पास आए, ये आपको उसकी मुबारकबाद के लिए आपको ये एप्रिसिएशन जो है ना शील्ड दी जा रही है। थैंक यू। और हम आपका, हमारे बच्चे आपके बड़े फैन है, हमारे बच्चे आपको बड़ा याद करते हैं, जितनी तकरीबात होती है आपको अनाउंस किया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें आप तशरीफ ला के हमारे बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे इंशाल्लाह, और मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया। जनाब सदर और मौजे सामिन अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है जिन्नाह का पाकिस्तान। जनाब सदर, एक बूढ़ी माँ अपने दरवाजे पर बैठी तड़प रही है, इल्तिजा कर रही है, खुदारा मेरे बेटे को बचा लो, मेरे लखते जिगर को बचा लो। अभी कुछ ही वक्त हुआ था और ये ऐलान हुआ, छोटू गैंग को फौज ने गिरफ्तार करके बेगुनाहों को आज़ाद कर दिया। ये खबर सुनना ही थी, ये खबर सुनना ही थी, तड़प थी माँ का दिल, ये क्या उठा के आज का पाकिस्तान जिन्नाह का पाकिस्तान। अरे कौन जिना, वो जिना जो बच्चों को खेलते थे कि इलम तलवार से ज्यादा ताकतवर है। आज उन गरीब बच्चों ने सड़क किनारे खुले स्कूल में तालीम हासिल करके ये साबित किया कि आज का पाकिस्तान जिन्नाह का पाकिस्तान है। अरे कौन जिना, वो जिना जो कहते थे कि औरतें मर्दों के साथ कदम में कदम मिलाएं, आज उन औरतों ने मर्दों के साथ कदम में कदम मिला के ये साबित किया कि आज का पाकिस्तान जिन्नाह का पाकिस्तान है। पाकिस्तान हमारी आन है, शान है और हमारा ईमान है, क्योंकि वो जिन्नाह का पाकिस्तान है, क्योंकि वो जिन्नाह का पाकिस्तान है। चलती रगों पर चलता है हंजर, तो चले मेरे रगों पर, खुद को बेचकर मैं कभी झुक नहीं सकता, और मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख की औरात से मैं कभी मिट नहीं सकता, तारीख की औरात से मैं कभी मिट नहीं सकता। इसके पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، السلام عليكم، میرا نام منیحہ قیوم ہے اور میں عشق پاکستان اوورسیز گروپ سے ہوں۔ مجھے اثر شاکر صاحب نے تقریر کرنے کا موقع دیا اور میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم ہی سکھاتی ہے ہمیں جینے کا سلیقہ۔ میں اپنی تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرتی ہوں، فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، جسے روشن خدا کرے۔ جناب صدر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل اقرار
पहली वही भी इकरा के नाम से नाजिल हुई, पर अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया जनाबे सदर। यही तलीम है जिसकी वजह से इंसान सुई से लेकर जहाज तक बनाता है। तलीम से ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है, और तलीम से ही हम एक दूसरे का अदब एहतराम सीखते हैं, क्योंकि तलीम ही सिखाती है हमें जीने का सलीका। जनाबे सदर, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इल्म हासिल करो, और ये भी इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करो ख्वाह तुम्हें चीन जाना पड़े। एक और जगह इरशाद फरमाया, इल्म हासिल करना हर मोमिन मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जनाबे सदर, इसके अलावा बहुत से फायदे हैं तलीम हासिल करने के, लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं अपनी तकरीर का अख्तिताम एक शेर से करती हूँ। यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, यूं जमीन पर बैठकर आसमां क्यों देखता है, पंखों को खोल जमाना तेरी उड़ान देखता है। शुक्रिया। पाकिस्तान ओवरसीज इश्क शाह, पाकिस्तान इश्क पाकिस्तान ओवरसीज जिंदाबाद। महमदू व नसल्ली अला रसूलिह करीम, अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी, कुर्बानियों की बाहों में मिलती है आज़ादी। हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, हम अपनी सांसें तेरे नाम करते हैं, वतन तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। इसके जर्रे जर्रे में बसी है मेरी जान, इसके जर्रे जर्रे में बसी है मेरी जान, मेरे दिल की धड़कन मेरा पाकिस्तान। आबाद था, आबाद है, आबाद रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान जिंदा।